हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है सोल फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम का जो जेनिक इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है, जेनिक सब्जेक्ट जो है आपका, वो आपके डैशबोर्ड पर शो नहीं कर रहा है, बट आपकी ओल्ड फी रिसीट पर जो वो सब्जेक्ट आपका शो कर रहा होगा। बट सोल ने एडमिशन के टाइम जेनिक इलेक्टिव के अंदर बीकॉम प्रोग्राम से अलग सब्जेक्ट फिल करवाए थे, बट जब इनका स्ट्रक्चर आया तब आपको ये सब्जेक्ट अब आपको देखने को मिलेंगे जेनिक इलेक्टिव के अंदर, जिसमें आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा और आपका संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा और पंजाबी रहेगा। तो यानी जो ईको मीको जिन्होंने सिलेक्ट कर रखी थी बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट ने, अब वो जेनिक इलेक्टिव फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ईको मीको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इकोनॉमिक्स हटा दी गई, हिस्ट्री हटा दी गई, जो भी जेनिक इलेक्टिव के अंदर थे। बट अब ये प्रॉब्लम ये है, सर मेरे डैशबोर्ड पे, मैं बीकॉम प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मेरे डैशबोर्ड पे टोटल 6 पेपर शो कर रहे हैं, 7 पेपर क्यों नहीं शो कर रहे, क्या इसका पेपर मेरा होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूँ, चाहे आप बीए प्रोग्राम से हो या बीकॉम प्रोग्राम से, आपके टोटल 7 पेपर ही रहेंगे। बट हुआ ये है कि जो स्ट्रक्चर चेंज की वजह से वो छठे नंबर का जो पेपर है उसको अभी, सॉरी छठे नंबर कह रहा हूँ, चौथे नंबर का जो पेपर है उसको अभी हटा दिया गया है आपके सामने। देखिए, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये है। तो चौथे नंबर का जेनिक इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि सोल इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा। वरना अभी भी 5 फरवरी तक आपके पास समय है। अगर आप चाहते हो, कोई भी बीकॉम का स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि मैं इस सेमेस्टर में इंग्लिश लूँ, हिंदी लूँ या संस्कृत लूँ, वो आपके ऊपर अभी चॉइस है। वरना 5 फरवरी के बाद जितने भी बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो सोल विजिट नहीं कर पाएंगे चेंजेस के लिए, सोल ऑटोमेटिकली या तो उनको हिंदी दे देगा इस सेमेस्टर में, या आपको इंग्लिश दे देगा। ये संस्कृत तो नहीं देगा, और ये आपको उर्दू नहीं देगा और पंजाबी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है ये सब्जेक्ट लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाएगी। बट हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक ना एक सब्जेक्ट जरूर मिलना है। हिंदी मिलने के चांसेस ज़्यादा है बाय डिफ़ॉल्ट, या तो इंग्लिश मिलने के चांसेस है। वरना अभी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा। अभी अगर आप अपने कैंपस विजिट करोगे, जैसे केशवपुरम अगर आप जाओगे, क्योंकि बीकॉम का केशवपुरम बताते हैं, तो वहाँ एक फी रिसीट आपको मिलेगी, फी रिसीट और आपका एक फॉर्म मिलेगा। वहाँ आप जेनिक इलेक्टिव के लिए पुराना सब्जेक्ट मेंशन करके नया या तो इंग्लिश ले सकते हो या हिंदी ले सकते हो। ईको नहीं मिलेगी, ईको की डिमांड मत करना, ठीक है? अगर आप नहीं फिल करते हो तो भी 5 फरवरी के बाद सोल उन सभी स्टूडेंट को अपनी मर्जी से, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी 5 फरवरी के बाद, कि आपकी मर्जी मतलब आपकी जो मर्जी है वो लेंगे। तो 5 फरवरी के बाद सोल ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक बीकॉम प्रोग्राम को जेनिक इलेक्टिव जो चौथा पेपर है आपका, जो डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा, वो शो होने लगेगा। और अभी अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूँ, तो आप जाकर या तो इंग्लिश या हिंदी के लिए वहाँ पर वो फॉर्म सबमिट कर सकते हो अपनी पुरानी रिसिप्ट की फोटोकॉपी लगाकर, ठीक है? अब अगर नहीं जाना चाहते तो सोल की मर्जी चलेगी, इन दोनों में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट मिल सकता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे दोनों ही चाहिए, मुझे उर्दू पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, मुझे पंजाबी पढ़नी है, तो आप जाकर मैं एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो आउट ऑफ स्टेट है उनको आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि हाँ, यहाँ सोल की मर्जी चलने दीजिए, तो सोल ऑटोमेटिकली इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको, जो मिसिंग सब्जेक्ट है उसके अकॉर्ड जगह पे आपको दे देगा, ठीक है? इसके अलावा फी रिसीट और आईडी कार्ड आपको अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा किसी भी स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी सब्जेक्ट चेंज प्रोसीजर में है, तो 5 फरवरी के बाद जो ये प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व कर ली जाएगी। फी रिसीप्ट और आईडी कार्ड आपके डैशबोर्ड पे शो होने लगेगा। फिलहाल जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिलहाल कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं कराया है, वो अपनी पुरानी रिसिप्ट से ही अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस बीकॉम प्रोग्राम वाले भी अपनी ये किताबें कलेक्ट कर सकते हैं, ये कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये सब्जेक्ट की जो किताबें वो कलेक्ट कर सकते हैं इसको छोड़कर, क्योंकि अभी तो इसका कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक जैसी फी शीट आ जाएगी, आप दोबारा विजिट करके इन दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा या अभी आप ले सकते हो, आप वो किताब ले सकते हो। तो यानी चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर माइनर वाली प्रॉब्लम भी सोल ने खुद ही रिजॉल्व कर दी थी बीए प्रोग्राम के लिए, और अब उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम की जो जेनिक का जो सब्जेक्ट है शो नहीं कर रहा, इसको भी सोल ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग आपको दे देगा, या तो हिंदी देगा, इंग्लिश देगा। अगर आप अभी जाकर एप्लीकेशन देते हो, वहाँ पे फॉर्म भरते हो कि नहीं सर मुझे जेनिक इलेक्टिव में इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए या संस्कृत चाहिए, तो आपको वही मिलेगा, ठीक है?
डिमांड के ऊपर ही अभी तक सो नहीं करे, क्योंकि अभी आपके पास मौके है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज करा सकते हो, इनमें से ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और इनमें से तो है ही। थैंक यू सो मच।